नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और आज हम इकट्ठा हुए हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक जीएसटी में डिस्कस करने के लिए और वो है जॉब वर्क के ऊपर। दोस्तों, उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्रेश वीडियोज अपने आप इंटीमेट होते रहे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक सर्कुलर नंबर 38 जो कि मार्च 2018 में इशू हुआ और उसमें डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया जॉब वर्क के ऊपर बहुत सारे इश्यूज। 6 इश्यूज हैं जो कि जॉब वर्क पर डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किए। सबसे पहले मैं आपको 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताता हूं कि जॉब वर्क क्या है, जॉब वर्कर कौन है और प्रिंसिपल कौन है। जॉब वर्क जो कि सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया है, इट इज ए ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज डन ऑन द गुड्स बिलोंगिंग टू सम अदर रजिस्टर्ड पर्सन, और जो ये करता है उसे हम जॉब वर्कर कहते हैं, और जिसके गुड्स पर ये होता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। ये 3 बेसिक बातें। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि यहां पर सेक्शन 143 है जो कि हमें ये गाइड करता है कि जॉब वर्क से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं उसमें कौन सा कानून लगेगा। दोस्तों, प्रिंसिपल जो है वो जॉब वर्कर के पास इनपुट भेज सकता है, कैपिटल गुड्स भेज सकता है, और हम ये जानते हैं कि वो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वापस भी आने चाहिए। इनपुट्स 1 साल में वापस आने चाहिए प्रोसेस होकर, और कैपिटल गुड्स 3 साल में वापस आने चाहिए। और अगर वो कैपिटल गुड्स और या इनपुट्स 3 साल में वापस नहीं आते हैं दोस्तों, तो हम उस दिन इसको सप्लाई ट्रीट कर लेंगे जिस दिन एक्चुअली ये गुड्स वहां पर गए थे। लेकिन कैपिटल गुड्स के केस में टूल्स, डाइज, मोल्ड, जिग्स, ये सब अगर जाते हैं तो वहां पर वो 3 साल वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती, मतलब वो 3 साल में वापस नहीं भी आते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 बातें यहां पर क्लैरिफाई की हैं दोस्तों जो कि डिपार्टमेंट ने की हैं, कि हम 6 इश्यूज को यहां पर एड्रेस करेंगे। पहला इशू है कि जॉब वर्क का स्कोप क्या है। दूसरा इशू है कि क्या जॉब वर्कर या प्रिंसिपल को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तीसरा इशू दोस्तों यहां पर ये आता है कि अगर जॉब वर्कर प्रिंसिपल जॉब वर्क के प्लेस से सप्लाई करता है तो क्या होगा। चौथा इशू ये आता है कि जब गुड्स की मूवमेंट होगी फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर तो डॉक्यूमेंट्स क्या बनने हैं और इंटीमेशन क्या होनी है। 5वां इशू ये आता है दोस्तों कि इनवॉइस कैसे इशू होना है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, और 6ठा और आखिरी इशू आता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी क्या होगी। दोस्तों, एक एक करके हम सारे इश्यूज को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इशू स्कोप ऑफ सप्लाई ऑफ जॉब वर्क। जॉब वर्क क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि ये सर्विसेज है तो उन्होंने इसको बात को थोड़ा सा एक्सटेंड किया कि जॉब वर्कर अपनी सप्लाई ऑफ सर्विस करते हुए कुछ गुड्स जो कि इनपुट्स का भी यूज कर सकता है और वो भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। पहली बात उन्होंने ये क्लैरिफाई की, स्कोप ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दूसरा, उन्होंने कहा कि क्या जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। हम ये जानते हैं दोस्तों कि जो प्रिंसिपल होगा वो एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा, क्योंकि जो जॉब वर्क की डेफिनेशन में ही लिखा है ऑफ अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, तो प्रिंसिपल जो होगा वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा ही होगा। सेक्शन 143 एक ऑप्शनल सेक्शन है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो कि प्रिंसिपल है उसको ऑप्ट करना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ बेनिफिट्स और एग्जेम्पशंस भी दी गई हैं। अब जॉब वर्क के रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब बात आती है दोस्तों, तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स ही अप्लाई होते हैं जो कि सर्कुलर भी हमें गाइड करता है, और वो ये कहते हैं कि अगर प्रिंसिपल और जॉब वर्कर एक ही स्टेट में बैठे हैं दोनों, और जॉब वर्कर का जो टर्नओवर है 20 लाख या 10 लाख, आप जानते हैं 20 लाख और 10 लाख, 10 लाख जो हिली एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं, वहां पर थ्रेशोल्ड है। अगर प्रिंसिपल और जॉब वर्कर दोनों एक ही स्टेट में बैठे हैं और जॉब वर्कर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड से नीचे है तो जॉब वर्कर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर प्रिंसिपल और जॉब वर्कर इंटर स्टेट बैठे हैं, मतलब एक प्रिंसिपल एक स्टेट में और जॉब वर्कर दूसरे स्टेट में, तो सेक्शन 24 के हिसाब से उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। दोस्तों, तीसरी सिचुएशन ये आती है कि जब प्रिंसिपल जो है जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस से ही सप्लाई करता है तो क्या ये कर सकता है। पहली बात तो सेक्शन 143 में इसकी बेनिफिट दिया गया है। वो भी क्या होता है, कई बार जॉब वर्कर के प्लेस पर मैंने गुड्स भेजे, वहां पर प्रोसेस हो गए, पैक करवा दिए मैंने, अब वापस मंगाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है मैं वो बचाना चाहता हूं और वहीं से डायरेक्टली सप्लायर को भेजना चाहता हूं, तो 143 सेक्शन 143 मुझे अलाउ करता है इस बात के लिए, और ये सप्लाई मानी जाएगी प्रिंसिपल की ना कि जॉब वर्कर की।
अगला सवाल दोस्तों ये आता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स जब प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास होगी तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और इंटीमेशन क्या देनी है। यहां पर 6 सर्कमस्टेंसेस हैं दोस्तों जो उन्होंने विजुलाइज किए। पहला कि जब जॉब वर्कर प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास माल जा रहा है तो उन्होंने कहा कि भाई रूल 45 के हिसाब से आप डिलीवरी चालान पर माल बेच सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों ईवे बिल बनाना जरूरी होगा। ईवे बिल के रूल 138 में एक स्पेसिफिक बात लिखी है, जैसे कि उन्होंने कहा कि ईवे बिल बनाना है उसने हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये हो गया कि जॉब वर्कर और प्रिंसिपल दोनों ही कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, सो एनीबॉडी कैन मेक द ईवे बिल। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो कोई भी बना सकता है, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल ने ईवे बिल बनाना है। एक और बात मैं ईवे बिल के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर प्रिंसिपल और जॉब वर्कर इंटरस्टेट है, मतलब प्रिंसिपल एक स्टेट में और जॉब वर्कर दूसरे स्टेट में, तो वैल्यू ऑफ गुड्स अगर 50,000 से कम भी है तो भी ईवे बिल बनाना जरूरी है दोस्तों। तो पहली सिचुएशन यहां पर यह आती है डॉक्यूमेंट्स की या मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास माल जा रहा है तो रूल 45 में डिलीवरी चालान बनेगा, कहा गया कि ट्रिप्लीकेट में बनाइए, 2 कॉपियां जॉब वर्कर को भेज दीजिए। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा कि एक ITC 04 भरना है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको और आगे भी इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। दूसरी सर्कमस्टेंस विजुलाइज की गई कि अगर एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर पर माल जा रहा है तो सिचुएशन ये है कि अगर जैसे उसके पास डिलीवरी चलान है प्रिंसिपल का जॉब वर्कर के पास, तो उसी डिलीवरी चलान पर अगर सेम गुड्स जा रहे हैं तो वो फर्दर फ्यूचर दूसरे जॉब वर्कर के पास भी माल भेज सकता है। ऐसा सर्कमस्टेंस होता है कि भी एक गुड्स है, पहले एक जॉब वर्कर ने एक पर्टिकुलर प्रोसेस किया, फिर उस प्रोसेस के बाद दूसरे जॉब वर्कर ने दूसरा प्रोसेस अप्लाई करना है, तो एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर पर माल डायरेक्टली भी जा सकता है विदाउट कमिंग इट बैक टू द प्रिंसिपल। तो उस केस में जॉब वर्कर उसी डिलीवरी चालान पर मटेरियल को भेज सकता है। उसके बाद गुड्स जो है वो जॉब वर्कर ने प्रिंसिपल को वापस भेजने हैं। अब वो जो 2 डिलीवरी चालान थे, 1 डिलीवरी चालान तो उसके पास रह गया जॉब वर्कर के पास, उस दूसरे डिलीवरी चालान पर ही जॉब वर्कर प्रिंसिपल को जॉब वर्क अप्लाई करने के बाद गुड्स को वापस भेज सकता है। ये तीसरी सिचुएशन। चौथी सिचुएशन ये है कि सप्लायर, मान लीजिए मैं प्रिंसिपल हूं, मैं एक पर्टिकुलर जगह से माल खरीदता हूं, वो मेरा सप्लायर हो गया, मैं उसका रेसिपिएंट हो गया, तो जो सप्लायर है मैं सप्लायर को कहता हूं भाई आप मेरे पास माल मत भेजो, आप डायरेक्टली मेरे जॉब वर्कर के पास माल भेज दो इन ऑर्डर टू सेव ऑन दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो उस केस में जो सप्लायर है इनवॉइस तो मुझे करेगा लेकिन कंसाइनी का नाम डालेगा उस जॉब वर्कर का, लेकिन यहां पर मुझे इसके साथ एक डिलीवरी चालान और देना है जो रूल 45 में मैं इशू करूंगा दोस्तों। उसके बाद लेकिन यहां पर एक सर्कमस्टेंस और भी आ सकता है कि डायरेक्टली मैंने इंपोर्ट किया गुड्स को और डायरेक्टली फिर जॉब वर्कर के पास भेजना चाहता हूं, तो बिल ऑफ एंट्री प्लस मेरा डिलीवरी चालान जो रूल 45 में इश्यू करूंगा दोस्तों, उसके साथ वो डायरेक्टली कस्टम स्टेशन से गुड्स जॉब वर्कर के पास जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जब पीस मील में गुड्स वापस आ रहे हो जॉब वर्कर से, मतलब 100 आइटम भेजी और 20-20, 15-15 जैसे जैसे प्रोसेस होती गई वो मुझे वापस भेजता गया, उस केस में वो डिलीवरी चालान नहीं चलेगा दोस्तों जो ओरिजिनली जॉब प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को दिया था। यहां प्रिंसिपल को एक नया अपने आप से डिलीवरी चालान इश्यू करना है दोस्तों। छठी सिचुएशन ये है अब कि इंटीमेशन कौन सी देनी है। देखिए ITC 04 है जो कि प्रिंसिपल ने भरना है, क्वार्टरली बेसिस पे भरना है। क्या इंफॉर्मेशन भरनी है इसमें दोस्तों, जो भी डिलीवरी चालान्स थे प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर टू जॉब वर्कर टू बैक प्रिंसिपल, इन सब की इंफॉर्मेशन क्वार्टरली बेसिस पर डिलीवरी चालान की इंफॉर्मेशन ITC 04 में क्वार्टर खत्म होने के अगले 25 दिन के अंदर अंदर महीने में आपने भरनी है। अगली सिचुएशन आती है कि इनवॉइसेस कौन इश्यू करेगा दोस्तों, यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं उस इनवॉइस की जो जॉब वर्कर ने प्रिंसिपल को इश्यू करना है दोस्तों। जो भी उसकी जॉब वर्क के चार्जेस होंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो वो इश्यू करेगा अगर वो रजिस्टर्ड है तो, और इसका टाइम ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ CGST एक्ट बनेगा, जैसे ही जब वो सप्लाई कंप्लीट हो जाती है पैसे आ जाते हैं, जो भी सेक्शन 13 में कंडीशंस हैं दोस्तों। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर आती है दोस्तों कि जो टूल्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को ट्रांसफर किए थे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेस, तो क्या उसकी वैल्यू यहां जुड़ेगी। तो यहां पर सेक्शन 15 में क्लियरली लिखा है 15(2) में कि अगर
रेसिपिएंट ने कोई भी काम किया है जो कि सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो काम का जो पैसा खर्चा है वो उसकी वैल्यूएशन में जुड़ जाएगा, सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ जाएगा। हमें ये चेक करना है कि क्या जॉब वर्क चार्जेस में इस बात को ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया गया है। अगर कर लिया गया है तो ठीक है, नहीं तो इसको हमें जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद सिचुएशन आती है कि अगर प्रिंसिपल ने जॉब वर्क के प्लेस ऑफ बिजनेस से डायरेक्टली सप्लाई कर दी तो क्या ये इनवॉइसेस बनेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। हमने कहा कि सेक्शन 143 हमें ये परमिट करता है कि हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। उस केस में सप्लाई अगर मान लीजिए विद इन इंडिया हो रही है तो आप टैक्स लगा दीजिए, जीएसटी लगाएं प्रिंसिपल, और वो माल बेच सकता है। अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो एलयूटी अंडर बॉन्ड विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वो प्रिंसिपल डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द जॉब वर्कर बेच सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है, ये तभी हो सकता है सेक्शन 143 के अनुसार दोस्तों, जब या तो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड हो या फिर जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल के रजिस्ट्रेशन में एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एडेड हो दोस्तों, तभी ये काम हो सकता है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, अगर मान लीजिए मैंने डायरेक्टली बेचना है तो प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर मान लीजिए रेसिपिएंट मेरा उसी स्टेट में है जहां पर मेरा मैं हूं तो इंटर स्टेट है, अगर रेसिपिएंट उस स्टेट से बाहर है जहां पर प्रिंसिपल है तो ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी, पहली वाली इंट्रा, दूसरी इंटर स्टेट सप्लाई होगी। अगर अब अगली सिचुएशन यहां पर ही आती है कि जब स्क्रैप और वेस्ट जनरेट हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जॉब वर्क तो क्या होगा, तो भी दोस्तों अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो अपने इनवॉइस पर सप्लाई कर सकता है, और अगर वो नहीं है तो प्रिंसिपल अपने इनवॉइस पर उसको सप्लाई कर सकता है। आखिरी सिचुएशन है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जॉब वर्कर के लिए और प्रिंसिपल के लिए। आखिरी सिचुएशन जो आखिरी जो हमें जो सर्कमस्टेंस उन्होंने क्लैरिफाई किया है सर्कुलर में, जॉब वर्कर जो इनपुट लगाएगा फॉर द प्रोसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स, तो वो अगर कोई इनपुट खरीदता है तो उसका क्रेडिट उसको मिलेगा। एक पैक्युलर सिचुएशन है कि भाई हमें ये परमिट किया गया है सेक्शन 143 में कि प्रिंसिपल अपने सप्लायर से गुड्स अपने यहां मंगवाने की बजाय डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास भेज सकता है, तो क्या सेक्शन 16 की कंडीशन पूरी होती है कि गुड्स और सर्विसेज उसने रिसीव की है। तो उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन जोड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि भाई अगर रेसिपिएंट ने प्रिंसिपल ने उसके इंस्टांस पे किसी थर्ड पर्सन को बोला कि आप मटेरियल भेज दो, तो हम ये अज्यूम करेंगे, ये डीम करेंगे कि रेसिपिएंट ने वो गुड्स रिसीव कर लिए हैं। दोस्तों ये पूरी बातें हमने आपको जॉब वर्क के बारे में बताई। हमारे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्रेश वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। मेरा नाम है CA राजेंद्र अरोड़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।